तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया था ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स के बारे में, और ओवरव्यू मैंने आपको क्या दिया है मैं आपको बताता हूँ। कि मैंने कहा कि प्लांट के अंदर जो तो ट्रांसपोर्ट होता है दो तरीके से होता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस एक लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस का एक अलग ही जरिया मास फ्लो हाइपोथेसिस, जो हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में दो तरीका है, एक तरीका है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक तरीका है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का जरिया है। फिर मैंने कहा पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो दो जरिया है, एक है सिंपल डिफ्यूजन और एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और अब आपके पास सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पूरा डिफरेंसेस क्लियर कट आपको पता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में भी नहीं जा रहा हूँ, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ। फिर मैंने आपको कहा था कि हम आपको प्लांट के अंदर कई सारे फिजिकल फिनोमिनास बताएंगे, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर जो ये ट्रांसपोर्ट जैसी फिनोमिना है, ट्रांसपोर्ट जैसे फंक्शन है, इस्टेब्लिश हो पाए हैं। तो इसको एक अगर मेजर हेडिंग में आपको देके पढ़ाना चाहूं तो हेडिंग होगा हमारा प्लांट वाटर रिलेशनशिप। मतलब प्लांट का वाटर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, किस तरीके से प्लांट का वाटर के अंदर, प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट या अपटेक या जो भी है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम प्लांट वाटर रिलेशनशिप पे जाएं, उससे पहले हमें वाटर के बारे में कुछ जानना जरूरी है कि आखिर ये वाटर का हम प्लांट के साथ रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, वाटर है क्या। तो देखो वाटर क्या है, वो तो आपको केमिकली पता है, H2O। लेकिन ये वाटर जो है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, जैसे प्लांट बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में वाटर मेटाबॉलिक रिएक्शन का यूनिवर्सल मीडियम माना जाता है, जहां मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकता है। और ऐसा क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें मेजोरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मेटाबॉलिक रिएक्शन आपको मैंने बताया वो वाटर के प्रेजेंस में ही होता है मेजोरिटी तौर पर, ठीक है। और इसी वजह से अगर आप किसी भी सेल का प्रोटोप्लाज्म देखेंगे, साइटोप्लाज्म देखेंगे, तो उसका जो मेजर पार्ट है पानी होता है, वाटर ही होता है। मैंने कहा साइटोप्लाज्म 80 to 90% कॉन्टेंट वाटर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में ही मेनली साइटोप्लाज्मिक मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता है, तो वहां पे वाटर को होना तो जरूरी है, क्योंकि वाटर इज द मीडियम फॉर यूनिवर्सल मीडियम सॉल्वेंट फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन। देन इसके बाद अगर आप किसी भी वाटर कंटेंट को देखेंगे, तो उसमें लिविंग सिस्टम्स के अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो लिविंग सिस्टम के अंदर वाटर में, साइटोप्लाज्म में दो तरीके के कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, एक जो वाटर में डिसॉल्व हो चुका है, घुल चुका है, और एक वो जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ है, सस्पेंडेड है, वाटर में तैर रहा है। दो तरीके की चीजें मिलेगी आपको लिविंग सिस्टम में, लिविंग सिस्टम के अंदर, सेल्स के अंदर, लिविंग सिस्टम में कोई भी चीज आपको सेटल्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया तीन चीज होता है, एक होता है सेटल्ड जो बैठा हुआ होता है, स्थिर होता है, एक होता है सस्पेंडेड जो वाटर में फ्लो फ्लो कर रहा है, फ्लो फ्लो के साथ बह रहा है, ठीक है, तैर रहा है ऐसे बोलो, ठीक है। और एक होता है डिसॉल्व, तो डिसॉल्व और सस्पेंडेड मिलेगा, सेटल्ड पार्टिकल नहीं मिलने वाला है लिविंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये सारी बात एनसीईआरटी की है, ठीक है, मैं कंक्लूड करके बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब जब ये बात आपको पता चल गया कि वाटर क्या है, तो मैं आपको प्लांट वाटर रिलेशन पे तो अभी जाऊंगा, उससे पहले मैं आपको तीन चार फैक्ट बताता हूँ जो एनसीईआरटी लिखती है, और डायरेक्ट ये फैक्ट एग्जाम में उठ के आ जाएगा, तो आपको ये डाटा याद रखना है। क्या क्या, जैसे मैं आपको बताऊं, वाटरमेलन, अभी तरबूज का समय आ गया, अभी आप खाओगे तरबूज, ठीक है। तो वाटरमेलन में उसका फ्रेश वेट, अब आपको फ्रेश वेट और ड्राई वेट में आपको बता चुका हूँ, मैं फिर से याद दिलाता हूँ, फ्रेश वेट और ड्राई वेट में क्या अंतर है, फ्रेश वेट और ड्राई वेट में क्या अंतर है। फ्रेश वेट का मतलब होता है ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कॉन्टेंट प्लस वाटर, और ड्राई वेट का मतलब होता है वाटर को किसी तरीके से इवोपरेट करा दो, तो जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्टेंट बच गया वही क्या है, ड्राई वेट है, ठीक है। तो अगर आप वाटरमेलन का फ्रेश वेट देखेंगे तो उसमें 92% वाटर कंटेंट है। ये एनसीईआरटी का डाटा याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि एक वाटरमेलन में, मैच्योर वाटरमेलन में कितना परसेंट वाटर कंटेंट होता है फ्रेश वेट में, तो 92% होता है। इसी तरीके से अब ये वाला लाइन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड है, इसको उल्टा के पूछा जा सकता है कैसे, तो समझो पहले इसका नॉर्मल स्टेटमेंट इसका समझो। किसी भी हर्बेसियस प्लांट को उठा लेना, हर्बेसियस प्लांट मतलब वो घास टाइप के प्लांट, ठीक है, किसी भी हर्बेसियस प्लांट को उठा लेना। अब उसमें अगर आप उस हर्बेसियस प्लांट का ड्राई वेट लाओगे, ड्राई वेट, ड्राई वेट, तो वो ड्राई वेट उस प्लांट के फ्रेश वेट का ओनली कितना परसेंट होता है, तो 10 से 12% होता है, 12 मान लो राउंड ऑफ करके। यानी कि किसी भी हर्बेसियस प्लांट का आप ड्राई वेट अगर देखोगे, तो उस प्लांट का, हर्बेसियस प्लांट का ड्राई वेट उस अपने फ्रेश वेट के
मात्र 10 से 12% का, 10 से 12% हिस्सा ही है। अब इसको ने एक्चुअल में ये घुमा के बोला है। मुझे बताओ, अगर आपको मैं कह रहा हूं कि किसी भी हर्बिसाइड प्लांट का ड्राई वेट अपने फ्रेश वेट का 10 से 12% है, मींस किसी भी हर्बिसाइड प्लांट में वाटर कंटेंट कितना होता है, तो बता पाएगा वाटर कंटेंट कितना होता है? 100% कितना कितना? 100% 100% कहां से हो जाएगा? और कोई बताओ? मैं वाटर कंटेंट पूछ रहा हूँ, कितना कितना? हाँ कितना बता रहे हो? आवाज कट रहा है विवेक, लिख के भेजो, आवाज कट रहा है। हाँ और कोई बताना चाहेगा? चलो, क्या बोला गया है कि ड्राई वेट कितना परसेंट है? 12% मान लेते हैं ना, 10 से 12, ठीक है 12 मान लो, ठीक है। तो अगर ये अपने फ्रेश वेट का 12% है, तो मुझे बताना आप किसी भी प्लांट को लाए तो उसका फ्रेश वेट 100% है, उस प्लांट का वेट, फ्रेश वेट का मतलब क्या, उसका टोटल वेट 100% है, और इस 100 में से 12% क्या ड्राई वेट है। तो मुझे एक बात बताओ, फ्रेश वेट से ड्राई वेट कैसे निकलता है? वाटर को क्या कर दो, इवोपरेट कर दो, वाटर को रिमूव कर दो कैसे भी, ठीक है। तो जो बचेगा वो ड्राई वेट बचेगा। तो मुझे एक बात बताना, 100 में से लास्ट में बचा 12%, तो कितना परसेंट रिमूव हुआ है बताना जरा? 88% अरे भैया, फ्रेश वेट से ड्राई वेट पाने के लिए वाटर को रिमूव करते हो ना, तो इसका मतलब अगर किसी भी हर्बिसाइड प्लांट का ड्राई वेट अपने फ्रेश वेट का 12% के आसपास है, इसका मतलब एक हर्बिसाइड प्लांट में वाटर कंटेंट 88% के आसपास होता है। बोलो भले परा। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आप चाहे तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो, दैट मींस अ हर्बिसाइड प्लांट हैव अप्रोक्सीमेटली 88% ऑफ वाटर कंटेंट इन देयर फ्रेश वेट। इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कि अगर आप किसी सीड को देखेंगे तो सीड आपको सूखा सूखा लगता है, चाहे वो किसी भी प्लांट का सीड आप ले आओगे, लेकिन ध्यान रहे, सीड भले ही आपको सूखा सूखा लगता हो, सीड में वाटर कंटेंट है, सीड में वाटर कंटेंट है। और ये मैं कैसे कह सकता हूं, अगर सीड में वाटर कंटेंट नहीं है, पता है सीड में वाटर कंटेंट नहीं होने का मतलब समझ रहे हैं कि सीड डाइड हो गई। सीड क्या है? एम्ब्रियो है। मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट प्रोडक्शन बताऊँ, सीड एम्ब्रियो है और वो लिविंग कंटेंट है, डेड नहीं है, ध्यान रख लेना। सीड अगर डेड हो गई तो फिर उसका प्लांट कैसे आ जाएगा भैया? सीड डेड नहीं होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म काफी स्लो कर दी जाती है ताकि उससे कोई नया लाइफ अभी ना आए, और जब आना है तो उसको जब ग्रो करेगा तो उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा, तो उससे एक नया सीडलिंग तैयार हो जाएगा, नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो एक सीड को आप ड्राई देख के ये ना समझे कि उसमें वाटर कंटेंट जीरो है। हाँ, वाटर कंटेंट बहुत लेस है, ये बात सच है, और इसी वजह से उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता है वाटर में। तो एक सीड को देख के ये ना समझेंगे उसमें वाटर कंटेंट ना है, ठीक है, और वो जिंदा है, ये बात भी ध्यान रखना, तभी वो बाद में रेस्पायर करके एक नया प्लांट ले भी देता है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, कि अगर आप किसी भी ट्रस्टेड प्लांट को देखोगे तो ट्रस्टेड प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है, बहुत वाटर एब्जॉर्ब करता है ट्रस्टेड प्लांट, तो वाटर एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म भी पढ़ने वाले हम इस चैप्टर में, बहुत वाटर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन आपको पता है जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है ना, अप्रॉक्सिमेटली 98% वाटर वो रिलीज भी कर देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, और इस ट्रांसपायरेशन का पूरा मैकेनिज्म इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो आपको ये सब फैक्ट क्यों बताया जा रहा है? ये सब फैक्ट बता के आपको ये बताया जा रहा है कि प्लांट और वाटर के बीच में कैसा कैसा अजीबोगरीब सब रिलेशन भी है, और आपको सारे रिलेशन यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप एक मेच्योर कॉर्न प्लांट को देखोगे तो आपको पता है एक दिन में एक मेच्योर कॉर्न प्लांट 3 लीटर वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है, 3 लीटर वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेता है एक मेच्योर कॉर्न प्लांट, और उसमें से 1% वाटर को फोटोसिंथेसिस में वो यूटिलाइज करता है, बाकी सबको ट्रांसपेरेंस से इवोपरेट करा कर रिलीज कर देता है। सोच कर देखो, फिर आप सोचोगे सर ये अब्जॉर्प्शन किया ही क्यों, आपको पता चल जाएगा जब ट्रांसपरेशन पड़ेंगे ना, ट्रांसपरेशन एक इसेंशियल थिंग्स है, इसेंशियल फिनोमेना है, प्लांट के लिए होना जरूरी है वो, ठीक है। देन और एक बात बताता हूँ कि एक मस्टर्ड प्लांट को अगर आप 5 घंटे के लिए ऑब्जर्व करें तो 5 घंटे में वो इतना वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है जितना उसका खुद का वेट होता है, फिर वो उसको इवोपरेट भी करा देता है ट्रांसपरेशन, 5 घंटे में वो अपने वेट के बराबर का वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि इन सारे स्टेटमेंट में आपको कई सारे डाटा मिले हैं कुल मिला के,
एक यहाँ मिला 92%, एक यहाँ मिला 10 से 12%, और एक डाटा यहाँ पे और है 88%। वो आप समझो क्या है इसका। ये तो जनरल फिनोमेना है, जनरल बातें हैं। उसके बाद ये भी एक जनरल बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद एक डाटा यहाँ मिला है कि एक मेच्योर कॉर्न प्लांट 3 लीटर वाटर अब्जॉर्ब कर सकता है, और एक डाटा यहाँ मिला है कि एक मस्टर्ड प्लांट 5 घंटे में अपने वेट के बराबर का वाटर अब्जॉर्प्शन कर लेता है। और ये सारा एनसीईआरटी का डाटा और आपको याद रखना है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। फिर एक लाइन एनसीईआरटी में, एज प्लांट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, सो वाटर में आफ्टर बिकमिंग लिमिटिंग फैक्टर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब इकोलॉजी से आपको निकालना है। आप याद करो मैंने वहां पे आपको प्रोडक्टिविटी भी बताया था, फोटोसिंथेसिस में भी बताया था। वैसे प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वाटर का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर वाटर लिमिटिंग फैक्टर बन गया, पढ़े होंगे वाटर एज अ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस, पढ़े होंगे। अगर वाटर लिमिटिंग फैक्टर बन गया बाई चांस, तो प्लांट की ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, और अगर प्लांट की ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है तो एग्रीकल्चर और नेचुरल इन्वायरमेंट इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट वाटर रिलेशनशिप। इसमें आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, और मैंने कहा था कि मैं आपको कई सारे प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बाद कई सारे फिजिकल फिनोमेना पढ़ाऊंगा, प्लांट के अंदर वाटर से रिलेटेड फिजिकल फिनोमेना, और अब समय आ चुका है उसको पढ़ने का। यहां तक अगर कोई दिक्कत होता पूछ सकते हैं बेहिचक। हाँ अभिषेक। नो सर। राजेश्वरी। नो सर। रिभा। नो सर। सृष्टि। नो सर। विवेक। विवेक का नेटवर्क नहीं है। चलो तो अब हम चलते हैं, तो प्लांट वाटर रिलेशनशिप हो गया, अब हम चलते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पे। और ये बेसिक कंसेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ना, तो आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट चैप्टर पढ़ा ही नहीं सकता है। हालांकि ये बेसिक कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कहाँ पे, एक्सक्रीटरी चैप्टर में, एक्सक्रीटरी सिस्टम याद करो। लेकिन कुछ चीजें मुझे यहाँ और बतानी है, और कुछ बच्चे एक्सक्रीटरी चैप्टर का रिकॉर्डेड देखे भी नहीं थे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि पूरी बातों को एक बार बेसिकली रिवाइज करता हूँ, और ये इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट पर।